थ्रिलर्स हमेशा से एक बहुत ही सक्सेसफुल जोनरा रहा है। एज ऑडियंस वी लव टू वॉच थ्रिलर्स जो अपने ट्विस्ट एंड टर्न से हमारी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करें। इसी वजह से फिल्म्स लाइक अवेनेसडे, कहानी और अंधाधुन ऑडियंस को बहुत पसंद आई। हाउएवर कुछ ऐसी थ्रिलर फिल्म्स भी हैं विच आर इक्वली गुड विद देयर ट्विस्ट बट दे डोंट गेट द क्रेडिट दे डिजर्व। इस वीडियो में हम भी ऐसी ही 10 माइंड ब्लोइंग थ्रिलर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं Which left us soaked with their twist. This is a very special list जहाँ पर हम आपके लिए यूनिक फिल्म्स लेकर आए हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 10 है रोस्टचेक। 2022 में आई मलयालम थ्रिलर यह फिल्म सुपरस्टार मनमोती की एक रिवेंज थ्रिलर फिल्म थी जहां हम ल्यूक नाम के कैरेक्टर की एक कहानी देखते हैं। इन दिस फिल्म वो अपनी वाइफ की डेथ का रिवेंज लेना चाहता है। ये ऐसी मूवी है जो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर चैलेंज करेगी जो हमें इंडियन सिनेमा में काफी रेयरली देखने को मिलता है। इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। सामने तो आओ, तुम्हें देखना है मुझे एक बार। Welcome back. नंबर 9 है तीन एक बहुत ही अंडररेटेड थ्रिलर है जिसे बहुत ही कम लोगों ने देखा है। दिस फिल्म वाज सेट इन कलकत्ता जहां मेकर्स ने इस तरह का नैरेटिव प्रेजेंट किया था जो ऑडियंस को हमेशा एक केसिंग मोड पर रखता है और एंड में अपने ट्विस्ट से सरप्राइज कर देता है। इस लिस्ट में मेंशन बाकी थ्रिलर से ये फिल्म काफी यूनिक है क्योंकि इट्स अ स्लो बर्निंग फिल्म जो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो लग सकती है बट एंड तक ये आपको शॉक कर देगी। नंबर 8 है रात अकेली है। 2020 में रिलीज हुई फिल्म रात अकेली है एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म थी। हम फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर की स्टोरी देखते हैं। वो हैज टू सॉल्व ए मर्डर मिस्ट्री। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फिल्म इज कि इसके हर एक करेक्टर को काफी डिटेलिंग के साथ लिखा गया है विच मेक्स यू सस्पेक्ट ईच ऑफ देम एज ए मर्डरर। इट इज अनफॉर्चुनेट कि इस फिल्म की मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी बात नहीं की जाती है। हम डरते नहीं किसी से। नाम याद रखिएगा, इंस्पेक्टर जटिल यादव। नंबर 7 है मोनिका ओ माई डार्लिंग। रिसेंटली रिलीज फिल्म मोनिका ओ माई डार्लिंग एक बहुत ही एंटरटेनिंग थ्रिलर थी। हम फिल्म में एक जेंट नाम के कैरेक्टर की स्टोरी देखते हैं जिसकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाती है आफ्टर हैविंग एन अफेयर विद हिज सेक्रेटरी। इस फिल्म का सबसे स्पेशल एस्पेक्ट था इसका डिटेल स्क्रीन प्ले जहाँ पर फिल्म मेकर वसंत बाला ने हिंदी सिनेमा के कई क्लासिकल डायरेक्टर लाइक विजयानंद, श्रीराम राघवन और अनुराग कश्यप को ट्रिब्यूट दिया था। अलोंग विद दिस द स्क्रीन प्ले वाज फिल्ड विद मेनी सरप्राइजेस। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप हमें बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। नंबर 6 है सी यू सून। मलयालम फिल्म सी यू सून एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थ्रिलर है। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ फराद फासिल हु हैज टू फाइंड द फियांसे ऑफ हिज ब्रदर। राइटिंग के साथ साथ इसकी सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन भी काफी अनकन्वेंशनल थी। अगर आपको होस्ट और सर्चिंग जैसी हॉलीवुड फिल्म्स पसंद आई हैं, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस फिल्म। नंबर 5 दृश्यम 2। किसने सोचा था कि दृश्यम जैसी माइंड ब्लोइंग फिल्म का भी सीक्वल बन सकता है। इट वाज ए वेरी परफेक्ट स्टोरी विद ए परफेक्ट एंडिंग। पर 2021 में जब फिल्म का सीक्वल रिलीज हुआ था तो इसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। रिसेंटली इस फिल्म का हिंदी रीमेक भी रिलीज हुआ था और ऑडियंस ने इसे परफेक्ट रीमेक बताया था। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको मलयालम वर्जन अच्छा लगा या हिंदी वर्जन। नंबर 4 है कपिला। कुछ थ्रिलर्स ऐसी होती हैं जो आपके सेंसेस को चैलेंज करती हैं एंड कपिला इज वन सच ब्रिलियंट थ्रिलर। ये एक लव स्टोरी है जो रॉन्ग फोन कॉल से शुरू होती है लेकिन फिल्म में कुछ ऐसा होता है दैट शॉक्स यू। ये इंडिया की सबसे बेस्ट थ्रिलर में से एक है जहां पर मेकर्स हमें ऐसा नैरेटिव दिखाते हैं जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा है। अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। नंबर 3 कार्तिक कोलिंग कार्तिक। ये मूवी 2010 के अंदर आई थी। ये मूवी कुछ समय तक बिल्कुल समझ नहीं आती कि इस मूवी के अंदर चल क्या रहा है। इस मूवी के अंदर एक कार्तिक नाम का इंसान होता है जो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। उसके पास सब कुछ है लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी उसके पास एक डार्क सीक्रेट होता है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बता सकता क्योंकि बताने पर सब लोग उसको पागल समझेंगे। वो सीक्रेट ये होता है कि उसके पास हर रोज सुबह एक कॉल आता है कार्तिक नाम के लड़के की तरफ से और वो जो आवाज होती है वो सेम कार्तिक की आवाज होती है। मतलब उसको खुद की तरफ से खुद का कॉल आता है। अब ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। आप गैस करने की भी कोशिश करेंगे कि ये कौन कर रहा है लेकिन आपका गैस बिल्कुल गलत निकलेगा। तो एक बार इस मूवी को जरूर देखना, आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर
टू है फ्रेडी। ये मूवी 2022 के अंदर आई थी, जो कि जबरदस्त थ्रिलर मूवी है। इसके अंदर एक फ्रेडी नाम का लड़का होता है, वो ज्यादा लोगों से मतलब नहीं रखता और उसे एक मैरिड लड़की से प्यार हो जाता है। यहाँ पर कहानी में इंटरेस्ट तब होने लगता है जब फ्रेडी को पता चलता है कि उस लड़की का हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस करता है। तो आगे फ्रेडी क्या करता है, ये सब आपको मूवी में देखने को मिलेगा। इस मूवी को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं। नंबर वन है अगली। अनुराग कश्यप डायरेक्टेड फिल्म अगली एक अंडररेटेड थ्रिलर फिल्म है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। फिल्म का नैरेटिव एक स्ट्रगलिंग एक्टर के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसकी डॉटर किडनैप हो जाती है। ये थ्रिलर बाकी थ्रिलर से अलग है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग करते वक्त खुद एक्टर्स को फिल्म की एंडिंग के बारे में नहीं बताया गया था, जिसने उनकी एक्टिंग को काफी रियलिस्टिक बना दिया। इसलिए ये फिल्म एक कल्ट मानी जाती है। आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। आप हमें बताइए कि इन सारी थ्रिलर फिल्म्स में से आपकी फेवरेट 3 फिल्म्स कौन सी हैं। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।